tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hi friends, welcome back to our YouTube channel. नया दिन की शुरुआत. और मैंने आपको बोला है अभी पिछले व्लॉग में, जब तक ये व्लॉग आएगा ऑलरेडी सरोजनी नगर मार्केट का व्लॉग आ चुका होगा फुल डिटेल वाला. नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा. और ये नया व्लॉग है, इसमें हम सरोजनी नगर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा. तो हम फिलहाल जा रहे हैं मेट्रो से, तो चलिए मिलते हैं आपको वहाँ पर. और मैं और सुंबल जा रहे हैं बस, और कोई नहीं जा रहा. और वरीषा मैडम हमें छोड़ने जा रही हैं. हैं वरीषा मैडम, मेट्रो तक छोड़ने जा रही हैं वो हमें. और ये हमारा गार्डन. हाल मैं जा रही हूँ मेट्रो से, तो हम मेट्रो से जा रहे हैं. मेट्रो से जाने के लिए पिंक लाइन लेनी पड़ती है, तो हम मयूर विहार वाले मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सरोजनी पर जाएगी, क्योंकि वो पिंक लाइन. वरीषा मैडम मुझे छोड़ने जा रही हैं मेट्रो स्टेशन तक. इनको पता नहीं है कि ये नहीं जा रही हैं. अभी जब मैं उतरूंगी तो अब इनका रोना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने स्लीपर वगैरह सब ला के दे रही थी जब हम तैयार हो रहे थे, तो इनको लग रहा था कि ये भी हमारे साथ जा रही हैं, पर हम इनको नहीं लेके जा रहे. सो फाइनली अब हमने मेट्रो स्टेशन में एंट्री कर ली है. और ये जो लाइन है ये पिंक लाइन है. तो यहाँ पे मैं मेट्रो कार्ड को पंच करके चेक कर रही थी कि उसमें बैलेंस कितना है. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वरीषा का कितना शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि वहाँ अनाउंसमेंट हो रहे थे और वरीषा को वो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. तो फाइनली मैंने यहाँ पे वरीषा को करा बाय, उसके बाद मैंने एंट्री करी अपना कार्ड पंच करके. और अब हम चलते हैं मेट्रो की तरफ. और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं अपनी मेट्रो का वेट, क्योंकि उसको अभी आने में थोड़ा सा टाइम था. अब फाइनली यहाँ पर मेट्रो आ चुकी है. और ये मेट्रो जो है ना, ये डायरेक्ट सरोजनी पहुँचाएगी. तो ये मयूर विहार का स्टेशन है. और ये मेट्रो में से जो व्यू दिख रहा था ना, उफ क्या मस्त व्यू था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में. और यहाँ मैं और सुंबल मेट्रो में एसी की हवा खा रहे थे बहुत मस्त तरीके से. यहाँ से हमने एग्ज़िट किया है. और मैं आपको फाइनली बता दूँ, मेट्रो जो है एग्ज़िट जब आप करेंगे सरोजनी नगर में, तो वो गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करेंगे, तो डायरेक्ट आप सरोजनी नगर के एंट्रेंस पे ही पहुँचेंगे. और फाइनली जो मेट्रो आएगी सरोजनी, वो पिंक लाइन आएगी. हमने डायरेक्ट मयूर विहार से पकड़ी थी, तो हमें कहीं चेंज नहीं करना पड़ा. अगर हम किसी और दूसरे स्टेशन से लेते तो हमें वहाँ पर अपनी मेट्रो एक्सचेंज करनी पड़ती, बट हमें एक्सचेंज नहीं करना था, हमें डायरेक्ट आना था, तो हमने डायरेक्ट मेट्रो ली है. और इसका फुल डिटेल ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको फुल डिटेल में वहाँ देख सकते हो. या कुर्तीज़ वगैरह जो हैं वो 250 रुपीज़ के हैं. यहाँ पे जो आइटम्स मिलते हैं ना, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रेट में मिलते हैं, रीजनेबल रेट्स में मिलते हैं. डेली वेयर, कॉलेज वेयर, ऑफिस वेयर, जब भी आपको जिस टाइप के भी कपड़े चाहिए वो सब यहाँ मिलेंगे. और इयररिंग्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. फिलहाल हमें बहुत तेज़ वाली गर्मी लगी, तो हमने यहाँ पर पिया सोडा. उसके बाद जो हमें थोड़ा रिलैक्स हुआ ना, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा लगा, वरना बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, हमारा सर भी घूमने लगा था. उसके बाद हम फाइनली यहाँ से आगे बढ़े. और यहाँ से आगे बढ़ के मुझे स्लीपर्स की एक शॉप दिखी, तो मुझे वहाँ बिग बॉस की अक वाले चप्पल दिखे, जिस जो मुझे पसंद भी आ रहे थे, पर मेरी सिस्टर बोली रहने दो ना यार, कोई और से ले लो, ये लेने क्या अच्छे लग रहे हैं इतने, ये मत लो, बिग बॉस की अक थी. तो भाई आई एम बिग बॉस लवर. और फाइनली ये भैया भी हंस रहे थे उसकी बात सुन के. और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर पहुँच गई थी 11 बजे. अर्ली मॉर्निंग आप सरोजनी नगर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से शॉपिंग भी हो जाएगी, और आपको शॉप्स भी दिखेंगे, और आप लोगों को धक्का धुक्की भी नहीं लगेगी, क्योंकि सरोजनी में अगर लेट जाने का ना कोई मतलब नहीं है. और वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है ना कि कुछ भी समझ नहीं आता, और ऊपर से ना चीज़ें भी नहीं दिखती हैं. अगर आपको शॉपिंग करने जाना है, व्लॉगिंग करने जाना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग जाओ, जब मार्केट ओपन होती है 10:30-11 के बीच में, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा. कलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, सब मिलेगा आपको देखने को. और वीकेंड्स में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ, आप खड़े हो जाना, आपको खुद ही धक्का लगेगा, आगे पहुँच जाओगे. तो भाई मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप सरोजनी नगर अर्ली मॉर्निंग जाओ, और वीक डेज़ में ज़्यादा जाओ, क्योंकि वीक डेज़ में आपको चीज़ें भी मिलेंगी. और उसके बाद हमें फाइनली बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो हमें अपनी पेट पूजा करनी थी, तो यहाँ हमने लिया दही भल्ला और आलू टिक्की. और हम इतने भूखे थे कि हमने पूरा खा लिया, और हमें
बहुत ज़्यादा आराम मिला, क्योंकि हमें बहुत तेज़ वाली भूख भी तो लग रही थी ना। पेट को अपनी पहले पेट को खाना भी तो देना पड़ता है। और फिलहाल मैंने यहाँ पे ली थम्स अप, क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ ठंडा सा, तो मैंने यहाँ से थम्स अप पी के हमने खा पी के आगे गए, क्योंकि सुम्बुल को लेना था बैग, स्लिंग बैग, तो उसने यहाँ पे से स्लिंग बैग लिया है। और फाइनली ये बैग उसको आई थिंक 350 के आसपास का पड़ गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और ये शॉप की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यहाँ पर हम व्लॉग बना रहे थे, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो ये शॉप वाला जो भैया थे ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली इनको बता रहे थे, बट वो बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनको बोल दिया फाइनली कि मैं जा रही हूँ, तो बोले अच्छा ठीक है, आप मेरी शॉप की वीडियो बना रहे हो ना, तो मैं आपको कम रेट में दे देता हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे कम रेट में दे दी, और मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी शॉप व्लॉग में आएगी, यूट्यूब पे आएगी इस वजह से। और फाइनली इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि बस अब हो गया है बहुत, अब हम चलते हैं वापस घर। क्योंकि हम लेके तो एक बैग आए थे कि हमें थोड़ा बहुत ही सामान लेना है, ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, बट यहाँ से हम दो दो बैग लेके जा रहे थे। एक एक्स्ट्रा बैग हमने वहाँ से ख़रीदा, उसके बाद उसमें भी सामान डाला, और फिर हम चले गए। और यहाँ से हम मेट्रो की तरफ जा रहे थे, और भाई जो हमारा सामान था ना, इतना भारी हो गया था कि ना हमसे उठ भी नहीं रहा था। उस टाइम पे मुझे फैसल की बहुत याद आ रही थी कि यार काश वो होते। और फाइनली यहाँ हम मेट्रो स्टेशन में एंटर कर रहे हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊँ, ये बज रहे थे दोपहर के 2:30, और आप यहाँ देख सकते हो कि मेट्रो स्टेशन में भीड़ होनी स्टार्ट हो गई थी, होनी क्या हो ही गई थी। यहाँ से हमने अपने बैग्स वगैरह लिए, और उसके बाद हमने एंट्री करी मेट्रो में जाने के लिए। और आप यहाँ नज़ारा देख सकते हैं मेट्रो के लिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। हमने फिलहाल ये मेट्रो छोड़ दी, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत हो गई थी, हमने कहा नेक्स्ट मेट्रो में जाएंगे, घर वापस जा रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी मेट्रो का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मेट्रो छोड़ दी थी, तो हमारी मेट्रो को आने में भी थोड़ा सा टाइम था। और यहाँ मैं मेट्रो में बैठ चुकी हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा शर्ट लेने की कोशिश करी थी, जिसमें सुम्बुल बहुत ज़्यादा सीरियस बैठी है। और यहाँ हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं, और मैं यहाँ थोड़ी सी सेल्फीज लेने की कोशिश करी थी, जिसमें सुम्बुल को आ गया गुस्सा, और वो बोली कि बस करो अब यहाँ से चलो। और यहाँ मैं फाइनली आपको दिखा दूँ कि हमारे हाथ में दो दो बैग है, जो कि हम शॉपिंग करके लाए भर भर के। वैसे ज़्यादा शॉपिंग मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर की है। और फिर फाइनली हम मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं यही बोल रही थी सुम्बुल को कि देखो यार अब हमें घर जाके डांट पड़ेगी कि हम कितना सारा सामान लेके आ गए हैं, हम लेने कुछ गए थे एक दो चीज़ें, और हम लेके कितनी भर के आ रहे हैं, दो दो बैग भर के लेके आ रहे हैं, कुछ तुक्की बात है यार, पर सरोजनी जाने में ना यही होता है। कर रहे हैं एग्जिट अपना, कार्ड वार्ड निकाल लिया, निकलते हैं फिर। एग्जिट 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 सुम्बुल एग्जिट सुम्बुल एग्जिट। ने एग्जिट तो कर लिया, इसके कार्ड में बैलेंस हो गया था ज़ीरो। और वैसे तो इस स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, जहाँ से हमने एग्जिट किया है वो टूटू बोलने लगा था, मैंने कहा जल्दी से निकल आओ, बंद हो जाओगे फिर एग्ज़िट कर लो जल्दी से एग्ज़िट कर लिया। फिर अब पकड़ते हैं हम अपना ऑटो और जाते हैं घर। फाइनली हम जा रहे हैं। अब हम देखेंगे वरीशा का रिएक्शन, सोई ना हो आई होप, तो फिर वो मिल जाएगी। बहुत देर हो गई है, सुबह 10:30 बजे से घर से निकले हुए, और अब 4 बजने वाला है। हम फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं, जाते हैं अब हम अंदर। वरीशा सो रही है, खेल के सो रही थी, वैसे परेशान नहीं करा उसने, ना रोई ना कुछ, तुम्हें देख के परेशान करती, वैसे परेशान नहीं करा उसने। चलिए अब मैं घर आ गई हूँ, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।